शाहजहांपुर में युवक का शव खाई में मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। युवक के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। युवक बदायूं जिले का रहने वाला है, जो 2 दिन से लापता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना कलान थाना क्षेत्र के लखनपुर रोड की है। यहां बदायूं उस हैद के रहने वाला मुकीम का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। गले और पैरों में चोटों के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने मौके पर जाकर इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम के जरिए जांच पड़ताल शुरू कराई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले युवक घर से निकला था, उसके बाद लापता हो गया। फेसबुक पर मृतक का फोटो देखने के बाद वह शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने शव की पहचान मुकीम के रूप में की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दोपहर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ थाना कलान में लखनपुर गांव पड़ता है, यहाँ सड़क के किनारे एक व्यक्ति की शव मिला है। इस सूचना में तत्काल थाना कलान की पुलिस द्वारा मौके पर जाके उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी, पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा था। फील्ड यूनिट भी वहाँ पहुँची थी और जो आवश्यक जो उसके एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जा रहे थे। अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी शिनाख्त हो गई है। उसके मृतक का नाम है मुकीम सनम सलीम, ये रहने वाला कस्बा उसैद का है, थाना उसैद जनपद बदायूं का। और उसके परिजन यहाँ आ गए हैं और उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। उनके दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम निर्देशना की जाएगी। परिजनों की तरफ से कोई आरोप लगाया जा रहा है? अभी वो तहरीर दे रहे हैं, तहरीर में जैसी भी सूचना उनके द्वारा दी जाएगी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत होगा और जो भी इससे संबंध में साक्ष्य होंगे संकलित करते हुए अभियुक्तगणों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।